हाय एवरीवन, फिर से आपका एक न्यू वीडियो में स्वागत है। सो मेरे पास आपके रिपेयर के लिए एक मोनोब्लॉक वाटर पंप आया है जो कि टेक्समो कंपनी का है। 0.5 एचपी का ये पंप है, 1420 आरपीएम इस मोटर के, और ये जो है मोटर पानी के अंदर डूब गया था, कस्टमर बता रहा था। अभी इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है हमें जो है खोल के देखना होगा, शायद वर्निंग भी जला हो सकता है। अभी देखिए मोटर जो है हमारा वो जाम पे, यानी कि इसके बेयरिंग पानी जाने की वजह से वो भी खराब हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको बैक साइड में चार बोल्ट मिल जाएंगे जो कि 10 नंबर पानी से आपको खोलना होगा। तो चलिए इस बोल्ट को मैं खोल देता हूँ। सेम इसी ऐसे बोल्ट आपको फ्रंट साइड में भी मिल जाएंगे, और इसको भी आपको जो है 10 नंबर पानी से खोल देना है क्योंकि सेम पाना लगता है आगे पीछे। देखिए यहाँ पे मैंने इसको बोल्ट को खोल दिया है, और अब एक लकड़ी के जरिए हम जो पंप और रोटर को जो है बाहर निकाल देते हैं ठोक के। तो यहाँ पे मैंने देखिए रोटर को बाहर निकाल दिया, और इसके अंदर हमें जो है पानी दिख रहा है। पानी जाने की वजह से क्या होता है, हमारा जो वाइंडिंग है वो जल जाता है अगर हम जो है उसको ऑन करते हैं पानी जाने के बाद में। तो सेम देखिए यहाँ पे वाइंडिंग के अंदर पानी गया है, और यहाँ पे जो वाइंडिंग है वो भी जल चुका है, आपस में जो है वो शॉर्ट हो जाता है वाइंडिंग। तो अभी देखिए नीचे के कैप में आपको यहाँ पे पानी भी दिख रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर पानी जाने की वजह से हमारा जो है शॉर्ट सर्किट हो गया है, जिसकी वजह से हमारा वाइंडिंग आपको रिवाइंडिंग यानी कि डबल से करना होगा, ये वाइंडिंग आपका जो है वो नहीं चलेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका बैक साइड वाला कैप खोल लेते हैं। मुझे इसके अंदर जो है क्लच भी दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो है दो कैपेसिटर लगा हुआ है, और रोटर के अंदर भी क्लच लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लच प्लेट लगा हुआ है, यानी कि ये डबल कैपेसिटर का मोटर है। इसके अंदर एक स्टार्टिंग और एक रनिंग कैपेसिटर आता है, तो आपको जो है ये देख लेना है। सभी मोटर में नहीं आता है, टेक्समो वगैरह के अगर कोई ब्रांडेड मोटर होंगी तभी आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे पंप पे एक नज़र डाल देते हैं। पंप भी यहाँ पे जो इसका खराब हो चुका है, बेरिंग इसका जो है सामने का मुझे बदलना होगा, यानी कि इसका फुल पंप का काम करना होगा। इसका वीडियो मैं अलग बना दूंगा, इसका जो वीडियो का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और बाकी कैपेसिटर वगैरह जो जितना भी सामान आपको अलग निकाल देना है, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है। अभी जो मोटर है हमारा वो पूरा क्लीन हो गया यहाँ पे। अब जो इसके अंदर वाइंडिंग है, इसे जो कट करके पूरा पीच वगैरह गिन लेना है। इसके जो टर्न वगैरह है वो आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेने, कितने टर्न है, कौन से पीच है, और कौन सा कितने ग्राम वायर है। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा वाइंडिंग को बाहर निकाल दिया है कट करके। अब इसके अंदर जो है हम वाइंडिंग करने से पहले इसके अंदर हमें जो पेपर आते हैं हमारे पीवीसी, वो भी लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने वायर को पूरा निकाल दिया, रनिंग और स्टार्टिंग अलग अलग करके रख दिया। यहाँ पे टर्न वगैरह मैंने गिन लिए। अब देखिए इसके अंदर मैंने पीवीसी पेपर भी डाल दिया, यहाँ पे वाइंडिंग करने के लिए नया वायर भी ला लिया है। अब इसके अंदर जो वायर निकला था वो है 23 नंबर रनिंग वाइंडिंग में, और 27 नंबर जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग में निकला था। कॉइल बनाने से पहले हमें जो है कॉइल का साइज लेना होता है। कॉइल का साइज लेने के यहाँ पे आपको सिंगल वायर ले लेना है, उसके बाद में यहाँ पे एक जो हमारी 1x4 वाली स्लॉट है उसके अंदर आपको इस तरह से डालना है। और देखिए दोनों साइड से आपका जो है आधा आधा इंच जो है वो खाली होना चाहिए। इस तरह से आपको साइज लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे फर्मा लेना होगा, जिसके अंदर आपके जो है एक साथ पूरे सेट बन जाएंगे, यानी कि इसके अंदर जो कॉइल हमारे वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमें जो है तीन कॉइल बनानी है, एक से की मतलब 1x4, 1x6 और 1x8। तो यहाँ पे देखिए मैंने फर्मे को सेट कर दिया जितना उसका साइज था। आपको जो सबसे ऊपर वाला छोटे वाला जो साइज रहता है वो अगर आप सेट कर दोगे तो बाकी की आपकी जो दो कॉइलें 1x6 वाली 1x8 वाली ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। उसके बाद में हमें जो है कॉइल बनाना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए जो हमारा रेल है वो आपको ले लेना है, यानी कि जो हमारा वायर है। सबसे पहले हम जो है रनिंग वाइंडिंग के कॉइल्स बनाएंगे। देखिए रनिंग वाइंडिंग से जो है ये 1420 आरपीएम के, यानी कि 1440 बोलते हैं इसको, वैसे कनेक्शन जो भी आती है उसके 1440 के होते हैं। तो यहाँ पर जो कॉइल हमारा बनेगा वो 1x4, 1x6 और 1x8, यानी कि इसके अंदर तीन कॉइल बनेंगे एक सेट में, और इस तरह से आपको जो है चार सेट बनाने होंगे, यानी कि वो चार बोल होते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे टर्न लगा देने हैं। सबसे छोटी वाली कॉइल में मेरे यहाँ पे 30 टर्न थे, तो यहाँ पे मैं 30 टर्न लगा दूंगा। आपके जितने टर्न थे आप यहाँ पे लगा दीजिए। उसके बाद में 1x6 वाली कॉइल में यहाँ पे 50 टर्न है, तो यहाँ पे मैं 50 टर्न लगा दूंगा। आपके जितने टर्न है 1x6 वाली में वो भी आप लगा दीजिए। फिर लास्ट में यहाँ पे जो हमारा सबसे बड़ा वाला कॉइल है 1x8 वाला, इसके अंदर जो है 90 टर्न्स थे, तो आपको यहाँ पे जो है 90 टर्न्स लगा देने। तो यहाँ पे देखिए बड़े वाला कॉइल मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। सेम इसी तरीके से हमारा जो है स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग, यानी कि दोनों के कॉइल्स आपको बनाना है, क्योंकि साइज दोनों का सेम है और कॉइल पिच भी दोनों की जो है वो सेम है। कॉइल कंप्लीट होने के बाद में आपको इसको जो है तागे जरिए जो है बांध देना है, ताकि हमारे जो टर्न्स है वो बाहर ना निकले। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको तीनों कॉइल्स को बांध देना है। और यहाँ पे मैंने आपको एक सेट बना के बताया, आपको बाकी के जो सेट है आपको इसी तरीके से बनाना है, रनिंग वाइंडिंग के स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है। सिर्फ स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो आपका गेज है वो अलग होगा, रनिंग वाइंडिंग में आपका जो है गेज वो अलग होगा। मेरे केस में यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग में 23 नंबर था और स्टार्टिंग वाइंडिंग में 27 नंबर वायर। तो मुझे यहाँ पे साइज अलग लेने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से मैं जो है बाकी के जो सेट है वो बना लूंगा। यहाँ पे मैंने रनिंग वाइंडिंग का एक सेट बनाया है, बाकी के मुझे इसके बाद तीन सेट और रनिंग वाइंडिंग के बनाना होगा, और चार सेट जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के बनाना होगा। साइज़ यहाँ पे जो है मैं चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें साइज़ जो है वो सेम है, कॉइल पिच भी सेम है, यहाँ पे साइज़ में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो अगर आपके इसमें अलग अलग साइज़ आता तब आप जो है अलग अलग साइज़ का बना सकते हो। तो इस तरीके से देखिए हर एक सेट में हमारे तीन कॉइल होंगी, 1x4, 1x6 और 1x8, और यहाँ पे जो है चार सेट बना लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एक छोटी कॉइल से सिरा निकलता है, जो कि हम इनर वाला सिरा बोलते हैं, और जो
बड़ी वाली क्वायर है उससे आपको एक सिरा मिल जाएगा जिसे हम आउटर वाली बोलती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे कॉइल्स बना लिए, यानी कि पूरे सेट जो है वो बना लिए। यहाँ पे देखिए जो रनिंग वाइंडिंग है इसका राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग के कॉइल से। यहाँ पे देखिए चार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे चार सेट मैंने बनाया है ये रनिंग वाइंडिंग के, और सेम इसी तरह स्टार्टिंग वाइंडिंग के चार सेट है। आप चलिए हम जो इसको मोटर में इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम जो है रनिंग वाइंडिंग के कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो मेरे पास एक वीडियो क्लिप था वो डिलीट हो गया, जो मैंने ये 1-4 वाली छोटी कॉइल बिठाया है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ मैंने कैसे बिठाया ये कॉइल को, यानी कि आपको कैसे बाकी के जो है वो कॉइल बिठाना है। देखिए सबसे छोटी वाली जो कॉइल है 1-4 वाली जो ऑलरेडी अभी मोटर में बैठी हुई है, उसका वीडियो क्लिप मेरे पास डिलीट हो गया था। तो देखिए इसे बिठाने का तरीका ये है कि आपको जो है एक साइड जहाँ से आप जो है कनेक्शन छोड़ रहे हैं उसी साइड से आपको जो है छोड़ते जाना है। जैसे कि यहाँ पे ये मेरे पास में सेट है, और इसके अंदर जो है सबसे छोटी कॉइल के अंदर एक वायर निकलता है, यानी कि जो इनर वायर होता है जहाँ से हम कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं, और बड़ी वाली कॉइल से आउटर वायर निकलता है। तो ये जो सबसे छोटी वाली कॉइल का जो ये इनर वायर है, देखिए मैंने लेफ्ट साइड में रखा है यानी कि सामने की तरफ, और उसी कॉइल के ये वाले साइड से देखिए एक वायर बाहर निकल रहा है जो कि नीचे वाली कॉइल में जा रहा है। तो आपको जो है पूरे जो कॉइल्स है वो इसी तरीके से बिठाना है, यानी कि जो लेफ्ट साइड में आपका ये वाला इनर वाला वायर आना चाहिए, यानी कि स्टार्ट सिरा जिसको हम बोलते हैं, तो आपको ये जो है लेफ्ट साइड में आना चाहिए, और बाकी जो राइट साइड में आपका यहाँ पे जो हमारे बड़े कॉइल का एंडिंग होता है वो आना चाहिए। मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको कॉइल फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं नेक्स्ट वाले सेट में आपको बता दूंगा 1-4 वाला मैंने कैसे बिठाया है। अभी हम क्या करते हैं 1-6 वाला बिठा देते, क्योंकि 1-4 वाला वीडियो क्लिप था वो डिलीट हो गया था, मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इस तरह से कॉइल को ले लेना है जो उसके अगला कॉइल है, ये वाला जो मैं आप हाथ में देख रहे हो। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सेपरेटर पेपर भी लेने होंगे, क्योंकि अगर आप वैसे डालोंगे तो आपके जो है खरोज भी लग सकता है, अगर आप सही से नहीं बिठाते हो तो यहाँ पे जो हमारा वायर है वो पॉलिश छिल सकता है उसका। तो यहाँ पे मैं सेपरेटर पेपर यूज़ करूँगा, 5 नंबर का सेपरेटर पेपर है। तो देखिए कॉइल को कुछ इस तरीके से पतला करना है आपको, और स्लॉट के अंदर हमारा आसानी से बैठ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे ग्रीन पेपर, या फिर आप यहाँ पे PVC पेपर का यूज़ कर सकते हो, जो डबल लेयर में यानी कि इसके ऊपर जो कॉइल्स आएंगे यानी कि स्टार्टिंग कॉइल आएंगे, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे जो है ग्रीन पेपर आपको यहाँ पे लगा देना है, और जहाँ पर हमारे ऊपर कॉइल नहीं आएंगे हम वहाँ पे जो है PVC पेपर डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो स्लॉट यानी कि जो स्लॉट में भी कॉइल बिठाया था उसका जो दूसरा साइड है, आपको वहाँ से आपको गिन लेना है 1-6 यहाँ पर आपका जो भरेगा। तो यहाँ पे जो 1-4 वाली कॉइल के बाजू में आपका जो है वहाँ पे वो बैठेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं बिठाया हूँ। देखिए हमारा जो कॉइल है वो बैठ जो दूसरा साइड है वो बैठ चुका है इसका, और यहाँ पे मैं सेम ग्रीन पेपर यहाँ पे डाल दूंगा, ऐसे फिश पेपर भी बोलते हैं ग्रीन पेपर को। देखिए हमारे यहाँ पे जो 1-6 वाली जो कॉइल है वो बैठ चुकी है। थोड़ा सा इसको जो है शेप दे देंगे ताकि हमारी जो ऊपर वाली कॉइल है उसको जगह मिल जाए। दोनों साइड से आपको दे देना है, मैं आपको फ्रंट साइड से बता दिया हूँ जिधर साइड से कनेक्शन है, बैक साइड से मैं इसे जो है शेप अच्छे तरीके से दे दिया हूँ। अब देखिए इसके बाद 1-4, 1-6 वाली हमारी कॉइल बैठ गई थी। अब ये लास्ट वाली कॉइल है जो कि 1-8 वाली है, उसका कनेक्शन देख लीजिए, सेम कनेक्शन होता है सबका। जो हमारी सबसे अभी 1-6 वाली कॉइल का राइट साइड में अब देखिए सिरा निकल के जा रहा है हमारी बड़ी वाली कॉइल में, वो आपको कैसे बिठाना है वो समझिए, क्योंकि ये कनेक्शन मेन होता है। सबसे पहले हम स्लॉट में सेपरेटर पेपर लगा देंगे उसके आगे वाले स्लॉट में, और देखिए जहाँ से हमारा नीचे जो कनेक्शन आ रहा है यानी कि 1-6 वाली कॉइल के राइट साइड से निकल के लेफ्ट में जाना चाहिए, यानी कि नीचे से यू शेप उसका जो है कनेक्शन का वो बनता है, यानी कि इसे बोलते हैं कनेक्शन जो कॉइल टू कॉइल होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लॉट के अंदर वायर को बिठा दिया है, और यहाँ पे आपको जो पेपर यूज़ करना है ना वो PVC पेपर यूज़ करना है उसके ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर कोई डबल कॉइल नहीं आने वाला। जैसा कि हमने पहले इसमें डाला था ग्रीन पेपर, यहाँ पे आपको जो है ग्रीन पेपर नहीं डालना है, यहाँ पे आपको PVC पेपर लगा देना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई कॉइल स्टार्टिंग वाला नहीं आने वाला। तो इस कॉइल का जो है एक साइड बैठ गया, इसका जो दूसरा साइड है उसे बिठाते, और इसी दूसरे साइड से हमारा जो है एक लास्ट वायर निकल रहा है बाहर जो कि एंडिंग होता है। चलिए मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा से। पहले मैं ये जो है दूसरा साइड इसका बिठा दूँ, तो यहाँ पे आपको जो है 1-8 स्लॉट गिन लेनी है। तो जो हमारी 1-6 वाली कॉइल बैठी है उसके आगे वाला एक स्लॉट खाली बचा हुआ, वहीं पर ही आपका यहाँ पे जो 1-8 वाला भरेगा, तो वहाँ पर आपको जो है उस स्लॉट में बिठा देना है। इस स्लॉट में मैंने देखिए इस कॉइल को बिठा दिया है दूसरा साइड, और यहाँ पे इसके ऊपर PVC पेपर भी लगा दिया है। अब इसे यहाँ पे थोड़ा सा हम शेप दे देते ताकि हमें जो है ऊपर जगह मिल जाए, जो हमारे क्लच प्लेट वगैरह यानी कि जो जगह आपको जितनी कम हो सकती है यहाँ पे करनी है, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्लच प्लेट वगैरह भी आता है और थोड़ा फिनिशिंग में भी दिखने के लिए अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है कॉइल हमारा बैठ गया है पूरा, यानी कि सॉरी एक सेट बैठ गया है पूरा। तो यहाँ पे देखिए ये जो अभी देख रहे हो तार मेरे हाथ में, ये वाला जो हमारा छोटी वाली कॉइल से निकला है जो कि हम इनर यानी कि स्टार्ट भी बोलते हैं उसको, और एक जो बड़ी कॉइल से निकला है वो एंड यानी कि आउटर सिरा। आप देखिए यहाँ पे पूरा सेट बैठ गया कंप्लीट, और जो इसका नेक्स्ट सेट डालूंगा मैं आपको यहाँ पे छोटी कॉइल जो मिस हो गई थी अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे डालनी है। सबसे छोटी जो कॉइल है हमारी 1-4 वाली आपको ले लेनी है, और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सिरे है उसको ध्यान से रखना है आपको, क्योंकि जो सिरा है वही मेन है, क्योंकि हमको एक ही चाल लेके चलना है। अगर आप लेफ्ट साइड से वाइंडिंग कर रहे हो तो लेफ्ट साइड से, या फिर राइट से अगर कर रहे हो तो राइट से,
जैसे कि यहाँ पे दो स्लॉट मैं खाली छोड़ दूंगा, इस वाले स्लॉट से मैं स्टार्ट करूंगा। तो जो हमारा ये इनर वाला सिरा यानी कि स्टार्ट सिरा, वो हम जो यहाँ पे इस वाले स्लॉट में डाल देंगे। यहाँ पे अभी सेपरेटर पेपर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जिसमें टर्न का मैं आसानी से बैठ भी जाएंगी। यहाँ पे ये बिठाने के बाद में आपको यहाँ पे जो हमारा ग्रीन पेपर है वो आपको यहाँ पे लगाना है, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल आती है। अभी यहाँ पे जो है डायरेक्टली पीवीसी पेपर आपको नहीं लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है ग्रीन पेपर लगा दिया है, और यहाँ पे जो इसका इनर सिरा जो है हम साइड में कर देते हैं। अब उसी कॉइल का जो दूसरा साइड है, आपको वहाँ से एक से चार स्लॉट गिननी है, बीच में आपके दो स्लॉट खाली बचेंगी। अब आपको ये जो है ये जो साइड है आपको एक से चार वाले स्लॉट पर बिठा देनी है गिन के। तो यहाँ पे मैं अभी जो है सेपरेटर पेपर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हाथ से इसे बिठा दे रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मैंने जो है इसे बिठा दिया, और यहाँ पे ग्रीन पेपर उसके ऊपर लगा देता हूँ। कॉइल हमारा देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, और जैसे ही मैंने पहले वाले साइड में आपको बताया था जो मिस हो गया था, इस तरीके से आपको ये बिठाना है। जो आपका इनर सिरा है वो लेफ्ट साइड में आना चाहिए जैसे हमने डाला है, और राइट साइड से देखिए जो कॉइल टू कॉइल जो कनेक्शन हो रहा है ये वाला, ये आपका राइट साइड में आना चाहिए। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे पूरे कॉइल से बिठाना है, जितने भी आपके पास में सेट है स्टार्टिंग वाइंडिंग के रनिंग वाइंडिंग के सब बिठाना है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पूरे कॉइल्स को बिठा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने चारों जो सेट है वो बिठा दिए, यानी कि जो टोटल कॉइल थे सब बिठा दिया है। सेम वैसे ही बिठाया है जैसे मैंने आपको बताया है, सिर्फ आपको एक ही चाल का ध्यान रखना है। आपको लेफ्ट साइड से इनर वायर छोड़ रहे तो आपको लेफ्ट साइड में रखना है, या फिर राइट साइड से अगर छोड़ रहे तो राइट से रखना है। मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड से पूरे रखा है। अब चलिए यहाँ पे हम जो इसके स्टार्टिंग वाइंडिंग को करते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग भी सेम वैसी है जैसे हमने नीचे की रनिंग वाइंडिंग किया था, और इसके जो कनेक्शन होते हैं वो मेन होते हैं। कनेक्शन में आपको लास्ट में बताऊंगा, यहाँ पे मैंने कोई भी अभी कनेक्शन नहीं किए। तो देखिए हमारा जो सबसे छोटी वाली कॉइल स्टार्टिंग वाइंडिंग की वो ले लेनी है, और यहाँ पर जो है इसका भी कॉइल पिच जो है वो 104, 106, 108 है, सेम वही है। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर डबल लेयर है, यानी कि मैंने आपको बताया था एक स्लॉट में डबल यहाँ पे कॉइल आता है। जब आपने ग्रीन पेपर डाला था वहीं पे आपको यहाँ पे जो है कॉइल बिठाना स्टार्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है। बीच में आपको यहाँ पे जो दो पीवीसी पेपर दिख रहे हैं उसके वो बीच में दो आपको गाले छोड़ देने हैं। उसके बाजू में आपका जो जो हमारा ग्रीन पेपर है वहाँ से आपको यहाँ डालना स्टार्ट करना है, जैसे मैंने अभी कॉइल का एक साइड बिठाया है। और जो ये साइड बिठाया मैंने यहाँ पे इस कॉइल का ये इनर वायर अभी आता है, यानी कि जो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वायर, वह भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में इसका जो दूसरा साइड है उसी कॉइल के आगे आप एक से चार अगर गिन लोगे तो आपका वहाँ पे दूसरे साइड में आपको वो जगह मिल जाएंगी कॉइल डालने के लिए, यानी कि जो स्लॉट है हमको वो मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी जो है मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, और इसके बाद में जो है एक एक करके पूरे कॉइल में आपको बिठा के दिखाता हूँ इसके जो एक सेट के। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा यहाँ पे इसका जो कॉइल है वो बिठा दिया है। इसके ऊपर आप यहाँ पे हम पीवीसी पेपर लगा देंगे, हम यहाँ पे ब्लैक पेपर यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कॉइल यहाँ पे पूरा कंप्लीट बैठ गया हमारा। उसके बाद में देखिए उसी कॉइल से हमारा जो राइट साइड में एक जो वायर निकला है आउटर, और वो निकल के जाता है हमारा 106 वाली कॉइल के अंदर। और आपको देखिए यहाँ पे फिर से कनेक्शन वैसे लेना है जैसे हमने रनिंग वाइंडिंग में लिया था। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जैसे नीचे वाली कॉइल डालते हो यानी कि सब कॉइल के डायरेक्शन जो है वो आपसे सेम होने चाहिए, अलग अलग जो है वो नहीं होना चाहिए। अभी देखिए वो राइट वाले से निकल रहा है और इसके जो है लेफ्ट साइड में जा रहा है जो हमारे 106 वाली कॉइल है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे जो है कनेक्शन करने होते हैं, यानी कि नीचे से यू शेप कनेक्शन आपका बनना चाहिए। और जो हमारी बड़ी वाली कॉइल है वो देखिए मैंने पूरी बिठा दिया है 106 वाली, और उसके राइट साइड में देखिए वो एक और तार निकला है जो कि हमारा बड़ी वाली कॉइल में जा रहा है 108 वाली में। फिर से हम जो है जो 106 वाली राइट में से जो तार निकला है, और जो हमारा 108 वाली के लेफ्ट साइड में जो साइड है वहाँ पे आपको उस वाले साइड को आपको डालना है उसके आगे वाले लेफ्ट साइड वाले स्लॉट में, जो कि मैं यहाँ पे सेपरेटर पेपर लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं सेपरेटर पेपर लगा दिया क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी नीचे यानी कि कॉइल नहीं है, सिंगल यानी कि खाली स्लॉट है, इसलिए मैं यहाँ पे सेपरेटर पेपर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो सेपरेटर पेपर यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ध्यान से अच्छे से बिठा के आता है बिना खरोच के, तो आप यहाँ पे जो है बिना सेपरेटर पेपर के भी कॉइल को डाल सकते हो। इसका एक साइड मैंने बिठा दिया इस कॉइल का, आप चलिए दूसरा साइड यहाँ पे बिठाता हूँ। तो उसी वहाँ से आपको अगर 108 आप स्लॉट गिनोगे आप, तो आपको जो है एक खाली स्लॉट मिल जाएंगी 108 वाली, उस स्लॉट में आपको इसे जो है बिठा देना है। यहाँ पे हमारा जो कॉइल है वो पूरा बैठ चुका है, यानी कि हमने एक साइड यहाँ पे पूरा बिठा दिया है, इसे जो अच्छे तरीके से शेप दे देते दोनों साइड से, आपको दोनों साइड से अच्छे तरीके से शेप दे देना है ताकि हमारे जो बाकी के कॉइल है वो बैठ सके। अभी देखिए जैसा हमने ये स्टार्टिंग वाला सेट बिठाया है, सेम वैसे आपको बाकी के जो सेट बिठा देना है। जो रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसके जो कॉइल बैठने का तरीका है वो सेम टू सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। कनेक्शन भी सेम टू सेम है, सिर्फ गेज और वायर टर्न वो अलग है। अभी देखिए यहाँ पे जो कॉइल से मैंने सभी बिठा दिया है, जो हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो सेट थे यहाँ पे पूरा रेडी है। अब इसके अंदर हमें जो है कनेक्शन करना होगा। अब मैं आपको चलिए स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन समझाता हूँ, क्योंकि कनेक्शन बहुत ज़्यादा मेन होते हैं।
अभी आपको क्या करना है, जो हमारी रनिंग वाइंडिंग यानी कि नीचे की जो हमने कॉइल बिठाई थी, इसके आपको दो दो वायर आपको ले लेने। देखिए जो मैं आपको कॉइल बताया हूँ, इसके ये दो वायर है, इस वाले सेट के दो वायर है और इस वाले सेट के दो दो वायर है, ठीक है। तो एक इसमें जो है बड़ी वाली कॉइल से निकल रहा है, एक छोटी वाली कॉइल से निकल रहा है, और बाकी के जो सामने वाले स्टार्टिंग वाले जो कॉइल्स है उसके मैंने तारों को अंदर रख दिया है, ठीक है। अभी देखिए ये आपको यहाँ पे लेना है गैस टॉर्च, या फिर आप जो भी जिससे भी पॉलिश रिमूव करना चाहते हैं वो ले लीजिए। यहाँ पे मैं वायर को जला के इसका जो पॉलिश है वो रिमूव करूँगा, क्योंकि इसका जो है मुझे कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे मैं गैस टॉर्च की मदद से देखिए पूरे यहाँ पे वायर को जो पॉलिश है वो जला देता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से देखिए जला के उसका जो पॉलिश है वो रिमूव कर देना है। तो चलिए मैं एक एक करके पूरे यहाँ पे तारों को पॉलिश को रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पे कैसे कनेक्शन करना है, 1440 आरपीएम के कनेक्शन होते हैं, पर आरपीएम इसका 1420 है, लेकिन कनेक्शन जो है वो पूरे 1440 आरपीएम के होता है, इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने पूरे से जला दिया है, इसको अच्छी तरीके से आपको साफ़ भी कर लेना है। साइन पेपर की मदद से जो काला काला जलाने के बाद में पॉलिश का बचा है वो आपको जो है साफ़ कर लेना, ताकि हमारा जो है कॉपर क्लीन दिखे। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिल्यू लेना है, एक नंबर दो नंबर के, और इसको कुछ एक नंबर सिल्यू को 2 इंची साइज़ में कट कर लेना है और दो नंबर सिल्यू को 1.5 इंची साइज़ में कट कर लेना है। ये हम कनेक्शन करने के लिए काम में लेंगे। अब आपको कनेक्शन कैसे करना है वो देख लीजिए। जो हमने यहाँ पे चार वायर निकाले थे उसके अंदर आपको यहाँ पे जो हमने दो दो वायर बाहर निकाले थे उसके अंदर आपको ये दो एक एक नंबर का जो है वो सिल्यू आपको डाल के रख देना है। सभी वायर में आपको जो यहाँ पे एक एक नंबर की सिल्यू पुरा देना है। तो यहाँ पे मैं पूरे एक एक नंबर के जो सिल्यू है वो पूरे वायर में डाल देता हूँ। उसके बाद में देखिए हमने पूरे सिल्यू पुराने के, अब आपको यहाँ पे कोई भी एक कॉइल ले लेनी है, यानी कि कॉइल का कोई भी एक तार ले लेना, जैसे कि मैं ये वाला कॉइल का ये वाला तार ले लेता हूँ जो कि ये मेरे हाथ में है, और इसको आपको जो है एक बार यहाँ पे लपेट लेना है अपनी उंगली पे। अब यहाँ से हम कनेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कनेक्शन कैसे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इस वाले तार को छोड़ देना है, इसके बाजू वाले तार को लेना है, यानी कि ये वाले को, ठीक है। अब यहाँ से हम कनेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ से आपको काउंट करना है 1 से 3, जो मेरे हाथ में इसको काउंट करना है 1, 2 और ये 3, जो तीसरे नंबर का वायर है आपको इसके साथ में कनेक्शन करना होता है। ये सीरीज कनेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए डबल से देख लीजिए, इसको हमने छोड़ दिया और यहाँ पे इसको पकड़ा है तार को बाजू वाले को, यहाँ से 1, 2 और ये 3, देखिए 1 से 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, जो 3 नंबर वाला तार है उसके अंदर 2 नंबर का आपको यहाँ पे सिल्यू डाल देना है, जो कि हम जब ज्वाइन करेंगे इसके तो कनेक्शन के ऊपर चढ़ाने के लिए काम में आएगा। तो यहाँ पे आपको सभी कनेक्शन 1 से 3 1 से 3 करने। तो चलिए मैं आपको पूरा स्किप नहीं करूँगा, इसके पूरा समझाऊंगा लास्ट तक, रनिंग के भी और स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी। आप देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है दोनों को पेच लगा देना है, जो 3 नंबर तार के उसके साथ में आपके जो पेच लगा देना है, एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे जो आपको कट कर देना है। ओके, आप देखिए हमारा ये जॉइंट यहाँ पे जो एक कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अब इसके सेंटर में एक देखिए एक वायर बचा है जो हमने जॉइंट मारा है, ये वाला उसी कॉइल का ये वायर है जो हमने अभी 1 से 3 वाले उसमें कनेक्शन किया था। अब यहाँ से आपको दोबारा गिनना है 1, 2 और ये 3, ये देखिए ये वाला जो है 3 नंबर होता है, डबल से 1, 2, ये देखिए 1, 2 और ये 3। तो 1 से 3 में ये कनेक्शन होता है, ये सब सीरीज कनेक्शन होते हैं, यानी कि इनर टू इनर, आउटर टू आउटर, ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं अगर अभी 1 से 3 में करूँगे तो, क्योंकि हमने जो है कॉइल अगर डायरेक्शन आप सही बिठाते हो तभी आपका जो है इस डायरेक्शन से कनेक्शन जो है वो सही आता है। अगर आप कॉइल के डायरेक्शन सही नहीं बिठाते हो, कहने का मतलब ये है कि आप जो है राइट से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो राइट से करते जाओ, लेफ्ट से कर रहे हो तो लेफ्ट से करते जाओ। जैसा मैंने अभी मेरे वीडियो में इस मोटर के वाइंडिंग में लेफ्ट से मैंने पूरे कॉइल डाला है, तो मैं लेफ्ट से ही इसका जो है कनेक्शन ले रहा हूँ। अब इसके बाद में जो हमने कॉइल अभी जो कनेक्शन किया उसी कॉइल का आपको ये तार मिल जाएगा, ये वाला। अब इसके आगे हम जो 1 से 3 गिन लेते हैं, जो 1 से 3 में कनेक्शन आएंगे हम उसके साथ इसका जो है ज्वाइन कर देंगे। तो ये इस कॉइल का ये जो है आउटर सिरा है। अब देखिए यहाँ से हम गिनेंगे 1, 2 और ये 3, देखिए लास्ट में ये 1, 2 और ये 3। तो ये तीसरे नंबर का जो यहाँ पे आया है इसके साथ में जो इसे कनेक्ट यानी कि ज्वाइन कर देते हैं। इसमें फिर से 2 नंबर का सिल्यू डालेंगे और दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है 1440 के जब हम कनेक्शन करते हैं तो रनिंग वाइंडिंग के 3 ही कनेक्शन होते हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग के 3 कनेक्शन होते हैं, यानी कि टोटल 6 कनेक्शन होते हैं इसके। अभी देखिए जो लास्ट में ये बचा है इसको आपको जो है अपनी उंगली पे लपेट लेना है कुछ इस तरीके से। ये जो 2 वायर हमारे कनेक्शन के वायर है जो कि बाहर निकलेंगे हमारे जो कैपेसिटर में और मेन सप्लाई में लगेंगे, इसको आपको जो है आपस में ज्वाइन नहीं करना है। ये हो गया आपका। अब हम जो है सेम इसी तरीके से जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके कनेक्शन को करते हैं। पहले तो मैं इसको जो है अच्छी तरीके से साफ वगैरह कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो तार थे बाहर निकले हुए इसको मैंने सिल्यू भी डाल दिया है और पॉलिश जला के यहाँ पे जो है रिमूव भी कर दिया। सीधे हम यहाँ पे जो है कनेक्शन करते हैं।
तो कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे सभी कॉइल के दो दो यहाँ पे वायर निकले, छोटी कॉइल से एक और बड़ी कॉइल से एक, यानी कि इनर भी और आउटर भी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है इनर आउटर का, आप जो है यहाँ पे कोई भी एक तार पकड़ लीजिए, ये ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाती है अगर 1 से 3 में आप लगाते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये तार लिया है, ओके, यहाँ पे जो है इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से कनेक्शन करना। स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी सेम वैसे है जैसे हमने रनिंग वाइंडिंग के किए। अभी देखिए जैसा कि मैंने ये वाला तार हाथ में लिया है, ओके, ये हो गया एक, इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमारा ये बाहर निकलेगा, उसके बाद अगले वाला जो है यहाँ से गिनना चालू करेंगे। ये हो गया एक, उसके बाद में ये वाला जो बीच वाला 2 हो गया, और ये जो ये वाला जो तार है ये हो गया 3। तो यहाँ पे जो 3 नंबर तार भरता है आपको यहाँ पे 2 नंबर का सिलू डाल देना है, क्योंकि हम जब जॉइंट मार देते हैं इसमें, यानी कि जो जॉइंट करते थे आपस में, उसके ऊपर चढ़ाने के लिए काम में आता है। इसको पेच मारने के बाद में एक्स्ट्रा वायर जो है कट कर देंगे। अब उसी के आगे देखिए जो दूसरे वाला सेट है इसका, उसी के अंदर हमारा जो छोटा सा एक वायर बचा है, ये थोड़ी मेरा टूट गया था हाथ में से तो छोटा हो गया थोड़ा। अभी देखिए यहाँ से हम 2 से 3 काउंट करेंगे और इसके जो 3 नंबर के साथ भरेंगे उसके साथ इसका कनेक्शन कर देंगे। तो 1, 2 और 3 जो अभी मेरे हाथ में आया है 3 नंबर हो गया। अब इसके अंदर 2 नंबर का सिलू डालेंगे और फिर आपस में दोनों को एक में एक ज्वाइन करके जो एक्स्ट्रा वायर है उसको जो है कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 कनेक्शन हो गए स्टार्टिंग वाइंडिंग के और ये लास्ट कनेक्शन आने वाला है। अभी देखिए उसी कॉइल का यानी कि इसी सेट का लास्ट वाला यानी कि आउटर वायर निकला है। अब उस आउटर वायर को हम जो साथ में कनेक्शन करते हैं। तो ये रहा जो आउटर वायर उसका। अब ये आउटर वायर के साथ में 1 से 3 आपको गिन लेना है। तो चलिए यहाँ पे काउंट करते हैं 1, और थोड़ा इस पर पॉलिश था यानी कि सॉरी वो रही कार्बन था उसे रिमूव कर दिया जलाने के बाद में जो ब्लैक ब्लैक था। आप चलिए गिनते 1, 2 और 3 जो 1 से 3 में भरा इसके साथ में इसका जो है ज्वाइन कर देंगे। और ये लास्ट कनेक्शन था, इसके बाद में हम जो हमारे पास 4 वायर बच जाते हैं, 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के और 2 रनिंग वाइंडिंग के, जो कि हमारे कनेक्शन के साथ बाहर निकलेंगे। कौन से कनेक्शन? जो हमारे कैपेसिटर में और पावर सप्लाई में लगेंगे। जो वाइंडिंग के कनेक्शन है 1440 RPM जो हम बनाते हैं इसके अंदर, यानी कि जो सीरीज कनेक्शन होते हैं सीधा सीधा बोले तो, वो यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर और 2 रनिंग वाइंडिंग के वायर बाहर निकले, जिसको हम यहाँ पे कनेक्शन वायर यानी कि 100 mm के वायर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है 100 mm के 2 वायर ले लेने हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक। यहाँ पे जो ब्लैक की जगह मैंने ब्लू ले लिया है। जो रेड वाले हम यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे और जो ब्लू वाली है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे। और उसके अंदर साथ ही आपको 3 नंबर के स्लीव भी डाल देने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेड वाला वायर लूँगा और जो हमारा रनिंग वाइंडिंग है उसका रनिंग वाइंडिंग का कोई भी एक जो 2 वायर बचे उसमें से किसी भी एक वायर पर मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे जो है कट करके फेंक देंगे। उसके बाद में दूसरा यहाँ पे रेड वाला वायर लेंगे और जो उसका रनिंग वाइंडिंग का दूसरा जो वायर बचा था उसको उस रेड वाले वायर पे हम जो है पेच लगा देते और जो एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे कट कर लेते। यहाँ पे इसके दोनों कनेक्शन हो गए। अब सेम इसी तरीके से हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका ब्लू वायर को हम जो है जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 वायर बचे थे किसी भी एक वायर पे आप जो कनेक्ट कर दीजिए, ओके। और ये देखिए अब इसके बाद में एक लास्ट हमारा वायर बचा है जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को ही लगाना है। तो ये जो ब्लू वायर है स्टार्टिंग वाइंडिंग के लास्ट कनेक्शन पे हम लगा देते हैं। और यहाँ पे टोटल हमारे जो वायर निकलेंगे बाहर वाइंडिंग के वो 4 वायर निकलेंगे, 2 रेड और 2 ब्लू। अब आपको क्या करना है, इस पर सोल्डरिंग कर देना है ताकि हमारे जो जॉइंट है ये मजबूत हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है ताकि हमारा जो जॉइंट है कार्बन वगैरह ना आए और अच्छी तरह से इसके जो मोटर की लाइफ है वो चले, कार्बन आने की वजह से हमें प्रॉब्लम होता है। अभी आपको क्या करना है, जितने हमने जॉइंट इसमें कनेक्शन किए थे यानी कि जिस पर मैंने सोल्डरिंग कर दिया है उसके ऊपर आपको 2 नंबर का सिलू चढ़ा देना है जो मैंने आपको अंदर डालने लगाया था। 2-2 नंबर का जो सिलू है आपको इस तरीके से डाल देना है, यानी कि जो जॉइंट है उसके ऊपर आपको चढ़ा देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरे जो जॉइंट है उस पर 2 नंबर का सिलू को कवर से यानी कि कवर कर लिया है, झाँक दिया है उसके ऊपर चढ़ा के ताकि आपस में टच ना हो। और यहाँ पे देखिए आपको जो वायर है हमारे केबल के जो यानी कि जो बाहर निकलेंगे उसके जो एक्स्ट्रा थोड़े मुँह थे वो बाहर निकले हुए थे, मैंने वो कट कर दिए। उसके ऊपर भी 3 नंबर के सिलू चढ़ा के अब आपको क्या करना है, ये जो है बाहर निकाल देना है। अभी देखिए हमारा जो वायर है इस यहाँ पे आपको एक होल मिल जाता है कनेक्शन बाहर निकालने के लिए, वहाँ पे हम क्या करेंगे रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो 4 वायर है 2-2 वायर जो भी वो बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे फाइनली हमारा मोटर कंप्लीट है, लेकिन आपको इसको मुझे सिलाई करना होगा। और उसके पहले हमको जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में इस तरह का सेपरेटर डाल देना है। यहाँ पे जो है मैं PVC का सेपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे वो ग्रीन वाला पेपर भी यूज़ कर सकते हो। और ये हमें इसलिए यूज़ करना होता है क्योंकि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग है आपस में टच ना हो और शॉर्ट ना हो आपस में। तो आपको इस तरीके से दोनों साइड में आपको लगाना है। अब चलिए जो मैंने पीछे वाला ये लगा दिया, इसके लिए अब जो हमें यहाँ पे सिलाई कर लेते हैं। इसकी सिलाई बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है। मैं आपको यहाँ पे 2-3 स्टेप दिखा देता हूँ कैसे सिलाई करना है। बस आपको इस तरीके से नीचे से तार को डालना है और देखिए हमारा जो हमारा जो धागा है वो आपका बाहर निकल जाएगा।
धागे के साथ ही मैंने तार को बांध रखा है सुई के जैसा, यानी कि निकालने के लिए। और देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है पूरा लपेटे जाना है इस पर। आप चाहते हैं यहाँ पे डबल टेप, इसका टेप भी कॉटन टेप भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है धागे का यूज़ किया है, चमारी धागा है ये। और यहाँ देखिए बैक वाला जो साइड है मैंने पूरी सिलाई कर दिया है। सेम इसी तरीके से हमारा जो कनेक्शन साइड है उसको भी सिलाई करना होगा। तो उससे पहले यहाँ पे मुझे सेपरेटर पेपर डालना है ताकि स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल आपस में टच ना हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेपरेटर पेपर डाल दिया है और बाकी की जो सिलाई है सेम उसी तरीके से आपको कर लेना जैसा हमने बैक वाले में किया था। अभी देखिए हमारा जो मोटर है पूरा रेडी हो चुका है। अभी देखिए वाइंडिंग दोनों साइड से मैंने बांध दिया अच्छे तरीके से। और यहाँ पे कॉइल वगैरह हम एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं यहाँ पे डैमेज वगैरह नहीं है, पेपर वगैरह फटा है। आपको एक बार नज़र घुमा देना अंदर, कहीं हमारा पेपर वगैरह फटा तो नहीं है, नहीं तो आपका जो है प्रॉब्लम कर सकता है, बॉडी शॉर्ट भी हो सकता है मोटर। तो यहाँ पे मेरे इसमें केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम क्लीन है। ये वही मोटर है, देख लीजिए टेक्समो कंपनी का, ये वही मोटर है जिसका हमने अभी वाइंडिंग किया है। अब इसके ऊपर लास्ट आपको एक काम करना है, इसके ऊपर वार्निश आपको डाल देना है ताकि हमारा जो वाइंडिंग का लाइफ है थोड़ा बढ़ जाए। हमने जो अभी कॉइल बिठाया स्लॉट के अंदर, कहीं खरोच वगैरह लगे होंगे, यानी कि पॉलिश अगर रिमूव होती है तो यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे पूरा वार्निश अच्छी तरीके से मोटर को वाइंडिंग को पिला देना है, और ये वाइंडिंग कड़क भी हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा जो इसका लाइफ है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो है हीटिंग वगैरह ज़्यादा वो भी नहीं होगा, और कहीं स्क्रैच वगैरह आए तो वो भी यहाँ पे जो है कवर हो जाएगा। और इसको जो है हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अब तो यहाँ पे देखिए मोटर हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी कि जो वाइंडिंग स्टेटर है हमारा जो इसमें वाइंडिंग रहता है, वाइंडिंग जो है यहाँ पे पूरा हो गया, यहाँ पे ये सूख भी गया है। अब इसे जो है फिट करने की बारी है। फिट करने के लिए यहाँ पे देखिए पम्प है, पम्प को भी मैंने बनाया है। अगर आपको पम्प कैसे बनाना है वो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो जाके आप देख सकते हो पम्प कैसे बनाना है। पम्प को भी मैंने दोबारा से रिपेयर किया है, और ये पम्प भी बहुत ही अच्छा पम्प है। प्रेशर वगैरह इसका जो है वो ज़्यादा होता है, खींचने की जो ताकत होती है इसकी वो भी ज़्यादा होता है, वैक्यूम जो है इसका बहुत ज़्यादा होता है। अभी देखिए यहाँ पे जो क्लच है वो अंदर मैंने सब अच्छी तरीके से साफ वगैरह कर दिया है। रोटर को हम देखिए फ्रंट साइड में इस तरीके से अंदर को डाल देंगे, और पम्प को जो है आगे को ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मोटर है वो एक साइड से फिट हो गया। अभी हमको यह करना है इसके अंदर जो इसके बोल्ट आते हैं वो लगाने होंगे। तो चलिए मैं सामने जो है चारों बोल्ट लगा देता हूँ, और वही 10 नंबर पाने से वापस से इसे जो है टाइट कर देता हूँ। बोल्ट को टाइट करते समय आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि चारों साइड वो आप धीरे धीरे, यानी कि समान कसे, एक तरीके मतलब एक साइड में ना कसे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट वाला जो पंप है यानी कि जो साइड है वो फिट कर दिया है। अब इसका जो है बैक साइड वाला हमारा जो कैप है वो लगाना है, जिसके अंदर हमारा क्लच प्लेट लगा हुआ है ये वाला। तो क्लच प्लेट के जो मैंने पॉइंट है थोड़े से साफ कर दिया, कार्बन वगैरह आया था उस पर पानी की वजह से। अब देखिए आपको जो यहाँ पे हमारा वो होल है जहाँ से हमारे कनेक्शन गए हुए, ये हमारा क्लच रहता है रोटर के अंदर लगा हुआ। अब इसके जो क्लच प्लेट के जो वायर है आपको इसके होल में से बाहर निकाल देना है, जो छोटे आपको ब्लू वाले वायर दिख रहे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मैंने वायर को बाहर निकाल दिया। उसके बाद में आपको जो कैप है वो आपको मोटर के बैक में लगा देना है। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है इस कैप को ठोकना नहीं, तो आपका जो पंप में वाटर सेल वो ख़राब हो सकता है। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ पे आगे को लोड देते ठोक के, उसके बाद में आपको यहाँ पे बोल्ट लेना है और चारों बैक साइड में आपको लगा देना है, और अच्छी तरीके से इसे जो है टाइट कर देना है और समान कसना है। यानी कि थोड़ा इसको थोड़ा उसको ऐसा नहीं करना है, एक को पूरा फुल टाइट कर दिया फिर बाद में एक एक करके ऐसा कर रहे, उससे जो सेटिंग बिगड़ जाता है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे तरीके से फिट कर दिया है, मोटर भी हमारा जो फ्री है। अब हमारे इसमें बारी आती है जो कैपेसिटर वगैरह वो लगाना हुआ है इसमें, जो मजमा था इसका पूरा निकाला था हमने, यानी कि कनेक्शन प्लेट कैपेसिटर वगैरह ये वाले जो चीज़ है सब ये हमें जो है लगा देती है। उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा, यानी कि इसके कैसे करना है स्टार्टिंग वरिंग जो भी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा फिट कर दिया, कनेक्शन प्लेट भी फिट कर दिया। अब कनेक्शन कैसे करना है वो देख लीजिए। अब यहाँ पे हमारे ये दो क्लच प्लेट के वायर है जो कि निकले हैं, और ये है हमारे दो रनिंग वाइंडिंग के वायर है रेड वाले, और ये जो दो ब्लू वायर है ये हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के है। अब आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का यानी कि ब्लू वायर लेना है, और एक रनिंग वाइंडिंग का एक रेड वाला वायर लेना है, और इसको आपस में एक ज्वाइन कर देना है। ये हो जाता है हमारा कॉमन वायर, और यहाँ से हमारा जो है चाल भी सेट होता है, उल्टी सीधी यहीं से घूमती है मोटर। उल्टी अगर घूमी तो आप जो है ब्लू वाले वायर को उल्टी पल्टी कर दीजिए, आपका मोटर जो है सीधा हो जाएगा। यहाँ पे जो है मेरा सही है। उसके बाद में आपको एक यहाँ पे एक और वायर ले लेना है जो कि हमारा करंट का वायर है, यानी कि पावर सप्लाई का वायर है। यहाँ पर मैं इसके साथ ही अटैच कर दे रहा हूँ उसको कॉमन वायर में, जो कि न्यूट्रल वायर है। उसके बाद में आपको यहाँ पे इसके ऊपर एक वाइशर लगा देना है, और ये कनेक्शन प्लेट के ऊपर आपको एक छोटा सा नट मिल जाता है, इसको जो है आपको टाइट कर देना है। अच्छी तरीके से टाइट कर देना, हमारा जो वायर है वो एकदम मजबूत से फिट हो जाएगा। यहाँ पे एक हमारा ये जो कॉमन कनेक्शन वो हो जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लेना है क्लच प्लेट का एक वायर, और उसको देखिए कनेक्शन प्लेट के कोई भी एक पॉइंट पर लगा दीजिए। उसके बाद में आपको स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर लेना है, और ये दोनों को आपस में जो है ज्वाइन कर देना है। उसके ऊपर यहाँ पे जो वाइशर लगा के इसका जो नट है वो टाइट कर दिया। उसके बाद वही हमारा जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसका आपको वायर लेना है, और जो हमारे मोटर का एक ब्लू वाला वायर है जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का है वो आपको ले लेना है। ठीक है, स्टार्टिंग कैपेसिटर
का यहाँ में एक कनेक्शन प्लेट के अंदर जो है वो लगा देते हैं वायर। उसके बाद में एक रनिंग कैपेसिटर का वायर और जो हमारे मोटर का एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है वो आपको लेके ये तीनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने से मतलब ये कि जो है आपको वो जो पॉइंट है उस पर लगा देना है, तीनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। और इसके ऊपर यहाँ पे जो है नट इसके लगा के टाइट कर देते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमारा जो है ये कनेक्शन हो जाता है स्टार्टिंग वाला। आप देखिए हमारा ये रनिंग वाले का एक वायर बचा है और जो हमारे मोटर के अंदर रेड वाला वायर निकला रनिंग वाले का वो भी एक बचा है। और ये हमारे कनेक्शन यानी कि क्लच प्लेट का वहाँ पे एक वायर बचा है। तो उस क्लच प्लेट वायर को यहाँ पे जो एक अगला पॉइंट बचा है वहाँ पे आप लगा देंगे, जो चौथे नंबर का पॉइंट कनेक्शन प्लेट का बचा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर का वायर लेना है एक, और जो मोटर के अंदर से हमारा रनिंग वाइंडिंग का वायर आ रहा है उसको आपस में ज्वाइन कर देना है। और इसी वायर के साथ में आपको यहाँ पे एक छोटी सी एक वायर लेनी होगी सप्लाई की, जो कि फेस वायर है। हमने पहले न्यूट्रल वायर से जोड़ दिया था और ये जो है फेस वायर को आपको उसी पॉइंट पे आपस में ज्वाइन कर देना है, क्लच प्लेट का, रनिंग कैपेसिटर का और रनिंग वाइंडिंग का। और इसके ऊपर स्क्रू लगा के अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। यहाँ पे हमारे कनेक्शन पूरे हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे दो वायर निकले जो कि हम सप्लाई के अंदर जोड़ेंगे, न्यूट्रल और फेस। यहाँ पे कनेक्शन इसका पूरा रेडी हो गया। अब इसके ऊपर एक कैप आती है, कैप, चलिए मैं कैप लगा देता हूँ। ये कैप जो है इसके ऊपर अच्छे तरीके से फिट कर देता हूँ। उसके बाद में हमारा जो मोटर है वो रेडी हो जाता है। मोटर तो मैंने यहाँ पे फिट कर दिया, चलिए हो गया पूरा। अब ये पानी घूमेंगे इधर वो देख लीजिए, इस साइड में घूमेंगे यानी कि लेफ्ट साइड में घूमेंगी। यहाँ पे जो एरो देख रहे हैं आप, इस साइड में आपका जो मोटर वो घूमना चाहिए। और पानी खींचने का यहाँ पे एरो देखिए, यहाँ से जो आपका पानी वो अंदर को जाएंगे यानी कि यहाँ से पानी वो खींचेंगी। और यहाँ पे जो दूसरा साइड है यहाँ पे एरो का जो निशान है वो आपको है यानी कि ऊपर को है, यहाँ से हमारा जो पानी वो बाहर निकलेगा यानी कि इधर साइड से पानी खींचेंगे उधर साइड से बाहर निकलेगा। दूसरे मोटर में थोड़ा उल्टा होता है, इधर से मोटर पानी खींचता है और इधर से बाहर निकलता है, लेकिन ये टेक्समो मोटर में थोड़ा इस टाइप से है। अभी देखिए यहाँ पे पूरा मैंने सब कनेक्शन वगैरह लगा दिया है, यहाँ पे पूरे जोड़ के रखा है, पानी वानी सब बाल्टी में है। अब यहाँ पे हम इसे जो टेस्ट करते हैं पानी हमारा जो मोटर कैसा खींच रहा है और मोटर हमारा जो वर्क कर रहा है या नहीं। साथ में एम्पियर मीटर भी मैंने जोड़ रखा है। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया, ऑन करके हमारा यहाँ पे पानी बहुत ही स्पीड से इसने खींच लिया है और मोटर भी हमारा घूम रहा है। अभी आपको मोटर दिख रहा होगा थोड़ा स्लो स्पीड से घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये 1440 RPM का यानी कि 1420 RPM एक ही होता है। तो यहाँ पे इसका स्पीड आपको थोड़ा कम ही लगेगा लेकिन खींचने की जो ताकत है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एम्पियर मीटर में भी देख लीजिए, एम्पियर भी सही ले रहा है, 1.6 यानी कि सही ले रहा है। मैक्सिमम एम्पियर मोटर 3 लेता है, इस पर मेंशन है, लेकिन 1.6 ले रहा है यानी कि मोटर भी हमारा सही घूम रहा है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक बार दोबारा से इसे ऑन कर दिया और ये मोटर को मैंने दोबारा से यहाँ पे ऑन किया। और इसका जो चाल है वो भी मैंने अच्छे तरीके से पहले सेट कर दिया था, यानी कि जो हमारे कनेक्शन में आता मैंने आपको बताया था। तो ये मोटर देखिए इस साइड को घूमता है और यहाँ पे हमारा जो पानी वो भी आना चालू हो गया, क्योंकि इसका पानी खींचने का जो यानी कि पंपिंग जो ताकत है बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका एम्पलर बहुत बड़ा है। ये पंप मैंने इसका बनाया तो उसका वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख सकते हो पंप कैसा बनाया है। इसका प्रेशर भी अच्छा खासा आ रहा है इसके अंदर। और आपको यहाँ पे एक चीज़ चेक कर लेना है, अगर आपने पंप बनाया हो तो हमारा जो पंप आता है सामने जहाँ पे वाटर सील लगा रहता है यहाँ पे आपको चेक कर लेना है पानी बाहर निकल रहा है या नहीं। अभी तो यहाँ पे मेरे केस में कोई पानी वगैरह बाहर नहीं निकल रहा है यानी कि पंप जो है वो ठीक है, क्योंकि पंप मैंने इसका डबल से रिपेयर किया है। और यहाँ पे मोटर भी हमारा बहुत ही स्मूथ यानी घूम रहा है, इसके अंदर बेयरिंग वगैरह डाला है तो आवाज़ भी इसका जो है वो बंद हो गया। और यहाँ पे हमारा मोटर अच्छे तरीके से पानी भी खींच रहा है और निकाल भी रहा है। यहाँ पे बाल्टी में देखिए पाइप निकल गया जिस वजह से पानी नहीं आ रहा है, दोबारा से चलिए इसे अंदर डालते। और देखिए यहाँ पर जो पानी आना और स्टार्ट हो गया। अगर इसको आप नल पे लगाते तो ये जो पानी है बहुत ही स्पीड से खींच लेंगी और आपको पानी जो है बाहर निकाल के दे देंगी। अब यहाँ पे अगर पाइप आप चूड़ी वाला पाइप लगाते हो ग्रीन वाला तो और भी ज़्यादा स्पीड से आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पाइप है वो चिपक गया। मोटर को मैं ऑफ कर देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।